तो अब हम यहाँ पे लाप्लास का फॉर्मूला लिखते थे। तो लाप्लास ऑफ वन इज इक्वल टू क्या होता है कि इंटीग्रेशन 0 to ∞ e^-st इंटू f(t)। यहाँ पर f(t) क्या है, वन है। f(t) क्या है, वन है। तो यहाँ पर हम लिखते थे 1 dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to ∞ e^-st इंटू 1 क्या होता है, e^-st इंटू dt इज इक्वल टू, हम इसके जो इंटीग्रेशन है तो हम इसकी लिमिट ले लेते हैं कि लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 0 से r आ जाएगा। अब e^-st इंटू dt इज इक्वल टू लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो क्या होगा, e^-st का e^-st डिवाइड बाय -s, कहाँ तक की लिमिट है, 0 से r तक की। ठीक है, अब यहाँ पर ले लेंगे लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर हम r को t की प्लेस पर अप्लाई करेंगे। तो e^-sr डिवाइड बाय -s, माइनस क्या होगा, 0 से या 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/-s। ठीक है, अब क्या होगा, लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट है। तो लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब हम इसे e^-sr डिवाइड बाई -s, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस, अब हम इसे भी लिमिट दे देते हैं। तो लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/s। तो इसको जो हम लिमिट लेंगे तो यहाँ पर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि एस लेस देन 0 और एस ग्रेटर देन 0। तो जब एस ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पर हम देख देखें तो एस ग्रेटर देन 0 हो, तो जब एस ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, e^-sr है वो पॉजिटिव होगा और e^-sr इसलिए वो नीचे की ओर आएगा और 1/∞ क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो पूरे का पूरा पद है वो 0 हो जाएगा। तो प्लस, अब हम लिमिट कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट ही होती है। तो वो 1/s हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हम हमारा जो लाप्लास है, लाप्लास ऑफ वन, वो हमें क्या मिलेगा, 1/s मिलेगा। ये तो ये हमारा आंसर आ गया है।